हेलो भाइयों, मैं अरमान। तो भाई सामने अपने खड़ी है हुंडई क्रेटा। ये इसका टॉप वेरिएंट है, SX ऑप्शनल, और ब्लैक कलर में अपने सामने खड़ी है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। और मैं खड़ा हूँ भाई प्रिंस हुंडई बड़नगर में। और आप बेटर डील्स के लिए इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो भाई हुंडई क्रेटा जो ये इसका फेसलिफ्ट है, जो कि कंपनी ने अभी 2024 में लॉन्च किया है। पहले के मुकाबले काफ़ी ब्रॉड और मस्कुलर से जो है लुक्स कार के हो चुके हैं, और काफ़ी सारे फीचर्स जो इसमें अपडेट हो चुके हैं, और काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ में कार आती है। और इसके कार अगर राइवल कार की अगर बात कर लें तो किया सेल्टोस आ जाती है, ग्रैंड विटार आ जाती है, इनके सेगमेंट में कार आती है। और SUV कैटेगरी की ये कार है। और इसकी अगर कीस की अगर बात करें तो दोनों इसमें आपको रिमोट की मिलती है, और इसमें आपको भाई लॉक अनलॉक अनलॉक, और उसके साथ अगर आप होल्ड करके रखोगे तो जो इसके लाइट जल जाएंगे, और यहाँ से आप इसके जो है बूट रिलीज़ कर सकते हो। और ऐसा कुछ जो है कार का फ्रंट लुक है। इसमें आपको भी फ्रंट में जो है LED DRLs मिल जाती हैं, कनेक्टिंग LED DRLs मिल जाती हैं। और भाई यहाँ पर आपको जो है टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि भाई अपना LED में है। जो है भाई इसमें सारे जो लाइट्स है वो आपको LED बेस्ड देखने को मिलने वाले हैं। अगर नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको LED जो है इसके हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। फॉग लैम्प इसमें नहीं मिलते, लेकिन उनका काम भी जो है इसके हेडलैम्प्स कर देते हैं। हाई लो का जो इसका बल्ब है वो आपको इसमें ही मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको फॉग लैम्प वगैरह इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई इसी से आपका जो फॉग लैम्प का काम भी हो जाएगा। फ्रंट में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बड़ा सा जो हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है, उसके नीचे आपको जो फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और ऐसी कुछ इसकी पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने को मिल जाती है, और नीचे आपको इसकी ट्रेड देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर रडार की आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और ऊपर जो है आपको अडास का कैमरा देखने को मिल जाता है। अडास लेवल 2 इस कार में आपको देखने को मिलता है। और भाई हुंडई की कार्स में आपको जो है ना एक कर्व्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, मतलब ये शार्पनेस आपको इनके हर कार में देखने को मिल जाएगी। और भाई हुंडई जाना ही इसलिए जाता है प्रीमियमनेस के लिए और सर्विस के लिए, मतलब अगर आपको प्रीमियम कार चाहिए तो आप हुंडई की कार पर जा सकते हो। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से, तो ऐसी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है। सबसे पहले बात करें इसके ओवरव्यू की, तो भाई इसमें आपको जो है टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और उसके नीचे आपको कैमरे के प्लेसमेंट मिल जाती है। 360 कैमरा इसमें आपको देखने को मिलता है, और जो है बॉडी कलर इसमें आपको फिनिश में जो है इसका ओवरव्यू देखने को मिलता है। और इसके अलॉय व्हील्स की अगर बात करें तो भाई देखो साइड प्रोफाइल से जो है कार एज इट इज़ सेम है, जो पुरानी वाली क्रेटा है वैसी ही है। फ्रंट और रियर में जो फेसलिफ्ट होते हैं उनमें चेंज होता है, और इंटीरियर में चेंज करती है कंपनी। और साइड प्रोफाइल में सिर्फ अलॉय व्हील का डिफरेंस है, आपको न्यू अलॉय व्हील्स इसमें मिल जाते हैं। और इसके अगर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 215/60/17 इंच के इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और रियर में भी आपको इसके डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। मतलब सेफ्टी वगैरह में आपको इसमें हर चीज़ देखने को मिल जाएगी, और बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी इस कार की ठीक है। और ये है इसकी साइड प्रोफाइल। ऊपर आप रूफ रेल भी इसमें आपको भाई मिल जाती है, जो भाई इसका टॉप वेरियंट है SX ऑप्शनल। इसमें आपको सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है, फोल्डिंग मिरर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, और क्रोम की फिनिश में आपको इसके जो है डोर ओपनर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको भाई जो है पैसिव बटन मिल जाता है। और ऐसी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। और अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो ऊपर आपको शार्पिन एंटीना देखने को मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पर आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, और स्पॉइलर में जो है इंटीग्रेटेड आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है, और डिफोगर मिल जाता है, वाइपर इसमें मिल जाता है, और यहाँ पर जो इसकी कनेक्टिंग टेल लैम्प्स मिल जाती है। आजकल जैसा कि भाई हर कार में आपको ट्रेंड सा ही चल चुका है कनेक्टिंग टेल लैम्प्स का, आपको जो है हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। जैसे इसकी टेल लैम्प्स है उसके अंदर ही जो इसका लोगो है उसको आप टच नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रेटा की बेजिंग देखने को मिल जाती है, और इधर SX की बेजिंग, यहाँ पर SX की बेजिंग है हालाँकि, लेकिन ये वाला जो वेरियंट ये SX ऑप्शनल है, जो कि इसका टॉप एंड वेरियंट है। रियर में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो इसका रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाता है। रिवर्स लैम्प थोड़ा सा भी इसका ऐसा अजीब सा लगता है, यहाँ पर अगर जैसे आपने बाकी किया सेल्टोस में देखा होगा तो यहाँ पर ही उन्होंने एडजस्ट कर दिया था, बट भाई कुछ तो सोच के यहाँ पर ही दिया होगा, लेकिन यहाँ होता तो और भी बढ़िया लगता। पीछे इसका जो है बम्पर मिल जाता है आपको सिल्वर फिनिश में, और ऐसा कुछ लुक है कार का। रियर प्रोफाइल से मैं आपको सही से दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर स्पेस नहीं है। फ्यूल फिलर कैप, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, और डीजल और पेट्रोल दोनों में ही ये कार आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ, और देखते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं।
तो अभी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, इससे ही आप जो है कार को अनलॉक कर सकते हो। बात करें इसके डोर ट्रिम की, तो भाई इसका जो इंटीरियर वो आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलेगा। पहले जो इसका इंटीरियर है वो वाइट और ब्लैक कलर के साथ में आया करता था, लेकिन अब जो है वाइट और ग्रे कलर के साथ कॉम्बिनेशन में जो है कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि मतलब अब थोड़ा सा चेंज सा कर दिया है। और इसके जो है डोर ओपनर की बात करें तो ये आपको सिल्वर सैटन फिनिश में देखने को मिलता है। और इसके अगर फीचर्स की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको जो है ओवरव्यू को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, चारों पावर विंडोज में मिल जाती है। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, और भाई इसमें आपको बोस के स्पीकर मिलते हैं ब्रांडिंग के साथ में। और चलते हैं इसके अंदर में और देखते हैं क्या कुछ कहानी है। यहाँ पर आपको ट्विटर के प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। और सीट्स की अगर बात करें तो भाई आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। तो भाई चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं क्या कुछ इंटीरियर में आपको मिलता है। और सीट्स की अगर बात करें तो भाई इसमें आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स इसमें मिल जाती है, और लेदर के साथ में आपको जो इसकी सीट्स देखने को मिलती है। और कंफर्ट की अगर बात करें सीट्स की तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स इसमें आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो इसको कर लेते हैं एक बारी बंद। तो ऐसी कुछ कहानी है इसके इंटीरियर की, एक बार इसको टिकटॉक को भाई बंद कर देते हैं। तो ये ऐसी कुछ कहानी है इसके इंटीरियर की, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं भाई, अगर मैं आपको गिनाऊं भी तो भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि इतने सारे फीचर्स इसमें आने वाले हैं। तो भाई की को रख देते हैं यहाँ पर। और ऐसा कुछ भाई इसका स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम आपको इसमें जो है स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है, इधर आपको जो है भाई क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और अडास के आपके जो है यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। भाई इस कार में आपको अडास लेवल 2 मिलता है, मतलब आप स्टेयरिंग वगैरह छोड़कर भी आप आराम से कार को चला सकते हो। और यहाँ पर जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टेलीफोनी के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका हॉर्न अगर आप लोगों को सुनाऊं मैं, तो भाई वही क्रेटा का हॉर्न भाई कितना फेमस है आप लोगों को भी ये पता है, काफ़ी बढ़िया जो है इसका ये होने वाला है। और इधर की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और अगर इधर बात करें वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और भाई ऐसी कुछ इसकी कनेक्टिंग डिस्प्ले है पूरी के पूरी, इसको एक बारी करते हैं अपन ऑन। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको भाई हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाता है, नीचे आपको पार्किंग का स्विच मिल जाता है, इधर आपको मिल जाता है भाई आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच। और इसको करते हैं भाई एक बारी ऑन, तो भाई ऑन हो गया इसकी डिस्प्ले। तो भाई ये है कुछ इसकी डिस्प्ले, देख रहे हो काफ़ी तगड़ी लग रही है भाई, पूरी एनिमेशन के साथ में आती है, एनालॉग टाइप की इसकी मतलब बन के आती है, लेकिन ये है भाई फुल्ली अपनी डिजिटल कनेक्टिंग डिस्प्ले में देखने को मिलती है। यहाँ पर अपना शो करेगा भाई, इधर है अपना स्पीडोमीटर, और इधर है अपना RPM मीटर, बीच में अपना सब कुछ ये दिखाता रहेगा। यहाँ से अगर आप लोग देखो सारे कंट्रोल्स जो इसकी डिस्प्ले में आपको मिलने वाले हैं, TPMS वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, फ्यूल का, ओडोमीटर, ट्रिप, सब कुछ इसमें आपको इसकी जो है टच स्क्रीन में देखने को मिलने वाला है। और इसमें मिल जाता है टोटल 6 एयरबैग्स, और 2 सीट्स में और 2 आगे, और ऊपर कर्टेन एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पर इसकी मिल जाती है एम्बिएंट लाइटिंग इसके जो डैशबोर्ड है उसके नीचे, और ऊपर स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। टोटल भाई इसमें आपको 8 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलता है, बोस के स्पीकर्स इसमें मिलते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और काफ़ी स्लिक से इसके एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी प्रीमियम लगता है जो इसका इंटीरियर है। ऐसे कुछ इसमें एसी वेंट्स मिलते हैं, ऊपर सिल्वर की जो है फिनिश देखने को मिल जाती है। और नीचे अगर देखें तो भाई इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, अपना कुछ भी सामान वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। सन वाइजर की अगर बात करें तो इधर मिल जाता है टिकट होल्डर, और अगर उस साइड की बात करें तो उधर मिल जाता है वैनिटी मिरर, और इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक IRVM जिसपे आपको SOS के बटन वगैरह भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर मिल जाता है सनग्लास होल्डर, अपने सनग्लास वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। तो करते हैं इसको क्लोज, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं लैंप, और इसकी जो लैंप है वो आपको मिल जाता है भाई LED के लाइट्स के साथ में, देख रहे हो पैरानोमिक सनरूफ भाई इस कार में आपको मिलने वाली है। भाई पूरी पैरानोमिक सनरूफ इसमें मिलने वाली है, देख रहे हो, तो इसको करते हैं यहाँ से बंद।
आपको पैरानोमिक सनरूफ इसमें देखने को मिलने वाली है। करते हैं इसके ग्लो बॉक्स को बंद, और ऐसा कुछ कहानी है इसके इंटीरियर की। और इसमें मिल जाते हैं आपको ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स, और नीचे अगर बात करें तो 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, और यूएसबी सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको जो है लेदर की फिनिश देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और थोड़ी सी स्पेस इधर मिल जाती है। और यहाँ पर अपनी की वगैरह आप कुछ भी रख सकते हो। और भाई स्लाइडेबल तो नहीं है इसका जो आर्मरेस्ट है वो, लेकिन इस पर आपको जो है अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। तो करते हैं इसको बंद, और भाई ऐसे कुछ जो है इसका इंटीरियर का व्यू है। तो चलते हैं इसके सेकेंड रो में और देखते हैं रियर में इसके कैसा क्या स्पेस देखने को मिलता है। तो करते हैं इसके गेट को क्लोज, और भाई करते हैं इसके रियर के डोर को ओपन। और डोर ट्रिम की अगर बात करें रियर की, इसकी डोर ट्रिम में भाई आपको सनसेट का फीचर भी मिल जाता है। अगर आपको धूप वगैरह लग रही है तो आप सनसेट भी जो है निकाल कर अपना लगा सकते हो बढ़िया से। तो ये इसका डोर ट्रिम। यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है साटन फिनिश में डोर ओपनर मिल जाता है। बॉस की ब्रांडिंग के साथ में इसका स्पीकर मिल जाता है। नीचे आपको होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लेदर की फिनिश देखने को मिल जाती है, और भाई पूरी गाड़ी में जो है लेदर की फिनिश की गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रीमियम फील करवाती है। तो चलते हैं इसके इंटीरियर में, और यहाँ पर भी जो आपको ये स्टील से फिनिश देखने को मिल जाती है। और रियर की सीट्स ऐसी कुछ आपको मिलने वाली है, 60-40 वाली स्प्लिट सीट्स इसमें आपको देखने को मिलेगी। यानी आप अपने स्पेस को बढ़ाने के लिए इसको 60-40 कर सकते हो। और चारों हेडरेस्ट जो आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, और वेंटिलेटेड सीट्स इसमें मिलने वाली है। तो बैठते हैं भाई इसके सीट्स पर और देखते हैं कैसा क्या कम्फर्ट इसकी सीट्स का है। तो भाई करते हैं इसके गेट को क्लोज, और यहाँ पर भाई ना आपको ग्रेव हैंडल के साथ में आपको यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है, और एक ही साइड नहीं भी दोनों साइड में आपको जो है लाइट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। रात वगैरह में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। केबिन में आपको बढ़िया से लाइटिंग वगैरह सब कुछ मिलती है। यहाँ पर आपको जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है रियर में भी, लेकिन भाई पन्नी वगैरह लगी हुई है तो इसको हम ओपन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर देखें इसका कम्फर्ट सीट का, तो काफ़ी बढ़िया कम्फर्ट मिलने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट थी, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कंफर्ट है इसमें। और रियर में भी जो है आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और भाई पीछे भी आप बढ़िया से अपने एसी को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है यूएसबी सॉकेट भी देखने को मिल जाता है अपना फ़ोन वगैरह चार्जिंग करने के लिए, और भाई अच्छा खासा हम भी इसमें देखने को मिलता है। और ऐसा कुछ इसका रियर से इंटीरियर का व्यू है, और इसमें आपको 6 एयरबैग्स भी देखने को मिलते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। तो भाई चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ, और अनलॉक करते हैं इसके बूट को। तो यहाँ से ओपन करते हैं इसके बूट का हुड जो है, तो भाई डुअल हाइड्रोलिक्स के वजह से काफ़ी इजीली ये ओपन हो जाता है। और इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है ऊपर में जो लगा हुआ है, और काफ़ी डीपली जो इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है। और ये सारे किट वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाती है जब आप डिलीवरी लेते हो, तो ये सब कुछ आपको साथ में देते हैं। और ये इसका जो है स्पेयर किट वगैरह जो आपको दी जाती है साथ में। और यहाँ पर आपको जो बूट में लैंप भी देखने को मिल जाता है, और बोस का इसमें आपको सब वूफर देखने को मिल जाता है बोस की ब्रांडिंग के साथ में। और भाई काफ़ी तगड़ा जो इसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलता है क्रेटा फेसलिफ्ट में। और स्पेयर व्हील अगर आप लोग इसका देखो, तो नीचे इसका स्पेयर व्हील है, इसको करते हो ओपन, और 16 इंच का जो इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। एक साइज छोटा आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलने वाला है, मतलब भाई टॉप मॉडल में भी। कॉस्ट कटिंग तो की है भाई हुंडई ने इसमें। तो करते हैं इसको बंद, बात करते हैं इसके इंजन वे की। तो यहाँ से करते हैं इसके इंजन के हुड को ओपन, और भाई यहाँ से करते हैं इसके, काफ़ी हेवी फील होता है इसका जो हुड है वो। और कोई भी इसमें आपको हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते, भाई अपनी हेल्प कर रहे हैं इसको लगाने के लिए। इसका इंजन वेव इसमें मिलता है आपको 1.5 लीटर का 1500 सीसी का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 bhp और 250 nm का टॉर्क। और इसमें आपको डीजल और पेट्रोल दोनों का ही ऑप्शन मिलता है, और ऑटोमेटिक मैनुअल सभी ट्रांसमिशन में जो है कार आती है। और इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। और इसके प्राइस की अगर बात करें, तो भाई 17,50,000 रुपये इसके एक शोरूम प्राइस है, और 20 लाख रुपये तक ये ऑन रोड चली जाती है। 10.5 लाख रुपये से जो इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, और 20 लाख रुपये तक जो इसका टॉप एंड वेरिएंट चला जाता है। और आप बेटर डील्स के लिए आ सकते हो भाई प्रिंस हुंडई बड़नगर में, अगर आप MP से वीडियो देख रहे हो। इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था 2024 हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट का रिव्यू। आप लोग कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।